नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस गुरु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल महिंद्रा हाउस पे। और आज जितने सारे फेस्टिवल थे सब निकल लिए, यानी चाहे डीपी यानी दुर्गा पूजा की बात कर लें, दीपावली की बात कर लें, या फिर महापर्व छठ की बात कर लें। अब जो फेस्टिवल है एक छात्र के लिए क्या हो सकता है, तो एग्जाम यानी जिसे हम परीक्षा कहते हैं। तो इस बार चूके तो भैया सोच लेना, बार बार कहते हैं ना रेलवे भारत में पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्ष के बाद आती है। 2015 में आया था, फिर 2020 तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि 20 तो आने वाली है, इसीलिए इस बार चूकना नहीं है। और आज आप देख पा रहे होगा अब की बार 40 पार, यानी जो आपके एनटीपीसी का जो सिलेबस है उसमें 40 क्वेश्चन है, 40 प्रश्न है। तो मैं बार बार कहता हूं आपसे कि 40 प्रश्न में अगर विदाउट निगेटिव, मेरी बात ध्यान से सुनना, विदाउट नेगेटिव अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हो, आपको अपना जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, नेगेटिव वाला जो वर्ड है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आज 40 क्वेश्चन में, जैसा कि आपको पता है, 40 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, या 10 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर्स के मान लें हम, तो 15 10 25, और फिर 15 क्वेश्चन में आप देखेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब कुछ। तो आज 40 क्वेश्चन बिल्कुल लगेगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं। तो मुझे, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स जरूर शेयर करें विथ निगेटिव और स्किप के साथ, ताकि ये पता चल सके वाकई में हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो कॉपी और पेन लेकर बैठना और अपने मार्क्स जरूर शेयर करना, कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे। ठीक है, तो शुरू करने के पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दें, मेगा नवंबर सेल ऑल इन वन, ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाना। मेरी बात मानो, ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे कम से कम अपने जो कमी दिख जाएगा क्या कमियां हैं। तो ऑल इन वन टेस्ट ले सकते हो आप मात्र 999 रुपये भैया, कोई भी हो। अच्छा, 999 टेस्ट है ऑल इन वन, कितना, 799 रुपये में, और 2 साल के लिए 1099। विजिट करिए myshop.mahindra.org या फिर टोल फ्री नंबर 1800103525। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर वन ये रहा। आपको 11 सेकेंड का टाइमर मिलेगा, 11 सेकेंड के टाइमर में आपको जवाब देना है, क्या होगा क्वेश्चन का जवाब, टाइमर रहा ये आपके लिए। अच्छा, 12 सेकेंड का टाइमर, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है, फैदोमीटर, पेरिस्कोप, सोनार या रडार, क्या होगा क्वेश्चन नंबर वन का जवाब, क्या निकल कर आएगा। कौन सा उपकरण है जो समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है, यानी पनडुब्बी कहां है, समुद्र के नीचे चलेगी तभी तो हम देख पाएंगे, तब क्या होगा, पेरिस्कोप। समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में जो यूज करते हैं वो हम पेरिस्कोप करते हैं, फैदोमीटर तो पता है क्या करते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ फैदोमीटर का यूज हम कहां करते हैं, क्या फैदोमीटर से गहराई मापी जाती है, फैदोमीटर से गहराई मापी जाती है। और सोनार और रडार की बात करेंगे तो रडार से हम डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो या फिर सीप की बात करें, यानी क्या हो जाएगा आपका, पेरिस्कोप से समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को, क्वेश्चन समझना, ऊपर की वस्तुओं की बात कर रहे हैं, यानी पनडुब्बियों में कहीं ना कहीं ये लगा होता है पेरिस्कोप, क्या होगा, पेरिस्कोप। सोनार नीचे की बात करते अगर क्वेश्चन में, तब हम सोनार की बात करते, तब हम सोनार की बात करते, पहले बॉल में कौन बोल्ड हो गया सो बता दो। तो सर सोनार की बात करें, क्वेश्चन हो सकता है सोनार का फुल फॉर्म पूछे, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। सोनार एक ऐसी तकनीक है जो पानी के सतह पर या अन्य जहाजों जैसे वस्तुओं के नौ संचालन करने, संचार करने या उनका पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार का उपयोग करती है। तो याद रखना डियर, हो सकता है सोनार का फुल फॉर्म पूछे, यह बहुत जरूरी है। अगर हम रडार की बात करेंगे, रडार भी एक क्या है, तकनीक है, टेक्निक है, रडार भी क्या है, टेक्निक है। तो रेडियो डिटेन एक टेक्निक ऐसा जिसके जरिए हम वस्तुओं की सीमा, कोण या वेग को निर्धारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, हम इसका यूजेज देखते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रडार का उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, निर्देशित मिसाइल, मोटर वाहन, मौसम निर्माण और इलाके का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार क्यों नहीं, डियर सोनार की बात करेंगे तो वो सतह की माप करता है, वो सोनार सतह की माप करेगा, सतह में पता लगाएगा, लेकिन पनडुब्बी जो है वो नीचे लगा होता है, पनडुब्बी क्या होगा, समुद्र के नीचे चलेगा ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर टू,
इन विच कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज द हाईएस्ट डेजर्ट फाउंड, विश्व में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या एशिया। चलिए हमारे साथ मैथ गुरु जुड़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर टू का जवाब क्या होगा, किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है, क्वेश्चन समझना इसके बाद जवाब देना क्या होगा। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब आप कई लोग लगेंगे अफ्रीका, मेरी बात समझना, कहां से डेजर्ट, हो सकता है डेजर्ट वो कोल्ड हो या हॉट डेजर्ट हो, जैसे कहते हैं ना भारत कि सबसे बड़ी कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे, ठंडी मरुस्थल की बात करेंगे तो कहां चले जाएंगे हम, लेह लद्दाख। तो अंटार्कटिका सबसे बड़ी डेजर्ट है, जो कैसी डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है। यहां कहीं क्लियर नहीं है कि ये हॉट डेजर्ट की बात कर रहा है या कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा है। अफ्रीका में सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो एक हॉट डेजर्ट है, जो एक हॉट डेजर्ट है। तो बच्चे क्वेश्चन ऐसे ही फंसते हैं, यानी अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है लेकिन कैसा डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है। कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है, और ये अफ्रीका की बात करते तो सबसे बड़ा रेगिस्तान ये हॉट डेजर्ट है। अगर अंटार्कटिका ना होता ऑप्शन में तो मैं अफ्रीका के साथ बिल्कुल 200% जाता, 200% जाता। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों से बनी इमारतें या प्रशासनिक व्यवस्था या वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए, अच्छा आप कह रहे हो कोल्ड क्यों बता रहे हैं, मेरी बात समझना, अगर हम एरिया वाइज जाएंगे ना तो क्षेत्रफल के आधार पर भी सहारा से बड़ा, सहारा से बड़ा आपका अंटार्कटिक हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर भी जाएंगे डियर, तो सहारा से बड़ा अंटार्कटिका हो जाएगा। रेगिस्तान दोनों होता है, कोल्ड भी है और हॉट भी है। आई बात समझ में, अफ्रीका, मुकेश मिश्रा जी, अफ्रीका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर अंटार्कटिका दिया है तो अफ्रीका नहीं होगा। क्लियर है, गोभी भी मरुस्थल है। तो इसकी बात करें सर, क्या होगा जवाब निकलकर, ईंटों से बनी इमारतें। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। अब नगरीय सभ्यता हम कैसे मानेंगे कि नगरीय सभ्यता में इमारतें जो बनी होंगी वो किससे बनी होंगी, ईंटों से बनी होंगी, ईंटों से बनी होंगी इमारतें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगरीय सभ्यता, जिसकी विशेषता क्या है, ईंटों से बनी इमारतें, ईंटों से बनी इमारतें। तो अंतर यही है, अंतर यही है। ठीक है, ना प्रशासनिक व्यवस्था होगा, ना वस्तु विनिमय प्रणाली, ना स्थानीय परिवहन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर फोर, एनजीटी का अर्थ क्या होगा, नेशनल ज्योग्राफिक टेलीविजन, नेशनल गंगा ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फोर का जवाब दीजिए। चलिए एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कई बार चर्चा में रहता है, इसलिए चर्चा में रहता है कि भैया ये देखता रहता है, खासकर अभी देख रहे हो फॉग, यानी जो प्रदूषण की हालत है दिल्ली में, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने एक बार तो कह दिया कि भैया मैच नहीं खेलना हमें, काफी प्रदूषण है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर हम बात करें एनजीटी की, तो सर इसकी स्थापना कब हुई, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक वैधानिक निकाय है, समझना, वैधानिक निकाय कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कहता तो इसकी कल्पना की गई है हमारे संविधान में, जैसे फाइनेंस कमीशन, जैसे यूपीएससी, जबकि इसे एक कानून के जरिए बनाया गया है 2010 में। पर्यावरणीय मामलों से निपटने हेतु एक निकाय स्थापित करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एनजीटी की स्थापना की गई, एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत कौन सा नंबर पे है, तो ये तीसरा देश है, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड है, दूसरा न्यूजीलैंड है। ठीक है, अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा प्रथम अध्यक्ष हैं, एट प्रेजेंट की बात करेंगे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, एके गोयल जी, इसके चेयरमैन है। तो हो सकता है क्वेश्चन रहे एनजीटी के चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोयल है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच,
हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा इज लोकेटेड एट नासा का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बोस्टन या टेक्सास? चलिए जल्दी। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? सर नासा का मुख्यालय वाशिंगटन, टेक्सास पता है, हाउडी मोदी हुआ था ना, हाउ डू डू, कहां हुआ था? टेक्सास में हुआ था, ये याद रखना। तो वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यानी नासा की बात करें, हो सकता है फुल फॉर्म पूछे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। संस्थापक की बात करेंगे, आइजनहावर राष्ट्रपति रहे हैं। कब स्थापना हुआ? 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष की बात करें, जिम ब्रिडनस्टाइन, ये इनके चेयरपर्सन है या चेयरमैन है या अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 6, इंफ्रारेड रेज क्या है? इंफ्रारेड रेज अवरक्त किरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स या मैकेनिकल वेव्स? भैया काहे का डर लग रहा है? इमरान जी काहे का डर लग रहा है? डर काहे का? कहा जाता है डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, बस तोड़ देना है इस बार रेलवे को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जबकि ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ना होकर क्या होगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग। मैं कई बार बता चुका हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होता क्या है? सर जिसमें एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कंपन के बीच जो परिणाम स्वरूप रिजल्ट आता है हमारा, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि विद्युत चुंबकीय तरंगे चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों को दोलन करने से बनती है। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? रेडियो तरंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, लाइट की बात करें, अल्ट्रावायलेट की बात करें, एक्सरे की बात करें, गामा रे की बात करें, ये सब के सब क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाए, चूकना मत, मिस मत करना, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरब सागर में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? स्वर्णरेखा, पेरियार, नर्मदा या ताप्ती? चलो लोहा तोड़ना है अपने नॉलेज से, ताकत नहीं दिखानी है। चलो क्या होगा? स्वर्णरेखा नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में गिरने वाली नदी, पेरियार, नर्मदा या ताप्ती? सालू की मां भानमती सोजा। चलिए, तो यानी कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरेंगी? साबरमती, लूनी, जिसका कोई अर्थ नहीं, अंडरलाइन कर दें, माही, भारतपुझा, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, सोम, जाखम। सोम यानी सोन मत समझना, सोम समझना, सोम। यानी स्वर्ण रेखा कहां गिरेंगी? तो ये गिरेंगी कहां? आपके बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और एकमात्र झारखंड की नदी जो इंडिपेंडेंट किसी में नहीं मिलती है और सीधा गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में जाकर। यानी साबरमती, लूनी, जिसका कोई मीनिंग नहीं, अंडरलाइन कर दें, माही, भारतपुझा, केरल की नदी, नर्मदा, मांडवी और ताप्ती, सोम और जाखम। आई बात समझ में यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? देखो, और सोन रेखा की बात करना, याद रखना है, भारत की एकमात्र नदी जिसे सोने के कण प्राप्त होते हैं, निकलता कहां से ये? तो निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार से, और झारखंड होते हुए उड़ीसा होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिंड का भार क्या होगा जब वह चलती लिफ्ट में है? वृद्धि या कमी? भार में परिवर्तन नहीं, वृद्धि होगा या कमी होगा? मेरी बात समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पिंड का भार क्या होगा जब वह चलती लिफ्ट में है? चलिए, मैथ गुरु हमारे साथ जुड़े हुए, डरना मना है, बहुत बढ़िया सर, क्या होगा? तो सर
कहा पिंड का भार क्या होगा जब वह चलती लिफ्ट में है, यह नहीं कहा कि ऊपर जाने पर, यह नहीं कहा नीचे जाने पर, तो यह अंडरस्टूड है ऊपर जाएंगे भार में क्या होगा वृद्धि होगा, नीचे आएंगे भार में क्या होगा कमी होगा, हमें क्या करना होगा मेन इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए सर्वेश यादव जी का सिलेक्शन हो गया एलपी में, बहुत बढ़िया बधाई हो आपको। यानी मे इंक्रीज और डिक्रीज, ऊपर जाएंगे भार में वृद्धि, नीचे आएंगे भार में कमी होगा, क्या होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो समझना पड़ेगा ये कह क्या रहा है, जब एक चलती लिफ्ट में है लिफ्ट हो सकता है ऊपर जाए, लिफ्ट हो सकता है नीचे आए, वृद्धि या कमी होगा। ठीक है, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, 86 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 86 डिग्री फारेनहाइट किसके बराबर है, 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर या 34 डिग्री सेल्सियस के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री के बराबर, तो आपको पता है फारेनहाइट सेल्सियस केल्विन या कहें रोमर तो अब चलता ही नहीं, खत्म हो, हमारा जवाब निकल कर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। चाहेंगे टेक्निकल टीम जरा देखेंगे, बच्चे कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है, 30 डिग्री। अब इस फॉर्मूला से निकालकर हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि यार ये सही है या गलत है, सही है या गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डैश की खोज 1772 में स्कॉटिश चिकित्सक डैनियल रदरफोर्ड ने की थी, किसकी खोज की, हाइड्रोजन की, हीलियम की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। भैया कहां बफरिंग कर रहे हैं, सब तो है सही। नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किया है, 1772 में नाइट्रोजन की खोज किसने की, डैनियल रदरफोर्ड। ऑक्सीजन की बात करें तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की है। आइए समझते हैं, तत्व हाइड्रोजन जो एक अधातु के रूप में मानते हैं, अत्यधिक दबाव में धातु बन सकता है, जिसकी खोज हेनरी कैविंडिस ने की। यानी हाइड्रोजन की खोज किसने किया, हेनरी कैविंडिस ने किया है। हीलियम की खोज जो हल्की धातु है अक्रिय गैस है, किसने, पियरे जैनसन द्वारा सूर्य के आसपास के गैसीय वातावरण में की गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि सूर्य में जो गैस है, नाभिकीय संलयन की बात करेंगे तो हीलियम की मौजूदगी, हाइड्रोजन की भी मौजूदगी, हाइड्रोजन संलयन भी कहते हैं इसे। आई बात समझ में, तो हीलियम हाइड्रोजन की मौजूदगी किसमें है, सूर्य में है, जिसकी खोज किसने किया, पियरे जैनसन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के बैंक नोट पर किन भाषाओं में रुपया शब्द नहीं लिखा गया है, मणिपुरी, कोंकणी, गुजराती या उर्दू। डियर अब कहां बफरिंग हो रहा है बता दो। चलिए जल्दी सर, कहां भारत के बैंक नोट पर आपको पता होना चाहिए 17 भाषा है हिंदी और इंग्लिश को लेकर, हिंदी और इंग्लिश को लेकर 17 भाषा है, तो मणिपुर को ऐड नहीं किया गया है, कोंकणी है, गुजराती है और उर्दू है। कौन कौन सा भाषा है, मैं ट्रिक दे दूंगा भूलोगे नहीं, कौन कौन सी भाषा है मैं ट्रिक दे दूंगा भूलोगे नहीं, क्या क्या होगा देखो। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा नोटों पर कुल दूसरे भाषाओं 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, आपको याद होना चाहिए। सिंधी जो बाद में जोड़ा गया ये नहीं लिखा हुआ है, फिर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी कोंकणी, नेपाली है, मणिपुरी नहीं है, कोंकणी है, फिर बोर्ड मास जोड़ा गया बाद में भाषा में, यानी 22 भाषा है संविधान में 8वीं अनुसूची में, तो आपको समझना पड़ेगा बोडो भी नहीं है, डोगरी भी नहीं है, मैथिली भी नहीं है, संथाली भी नहीं है। यानी ये ट्रिक बताया था ना, सिंधा नमक बोर्ड मास, तो सिंधा नमक बोर्ड मास में केवल मैथिली नहीं है, बाकी बस मैथिली नहीं है, बोडमास भी नहीं है, सिंधी भी नहीं है। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12, मानव रक्त के कितने घटक हैं, 2, 3, 4, 5। राम बाबू यादव जी कोई बफरिंग नहीं, आप अपने सिस्टम को एक बार रिफ्रेश करिए। चलो क्या होगा, मानव रक्त के घटक की बात करेंगे सर, 4 घटक हैं। अगर हम बात करें कितने भाग में, तो 2 भाग में, कौन कौन सा, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स, और ब्लड कॉर्पसल्स को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, कितने घटक हो गए, 4 घटक हो गए। यानी मानव रक्त के 4 घटक हैं, कौन कौन सा, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो क्या हो गया, लिक्विड पार्ट हो गया, तरल भाग हो गया,
और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं ना, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहेंगे और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। याद रखना, ये तरीका है याद रखने का अल्फाबेट में, ईएलटी तो पहले आरबीसी ले ले, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी और फिर थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, जो रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वीडन का केंद्रीय बैंक, नोबेल समिति, अल्फ्रेड नोबेल या विश्व बैंक? एनटीपीसी का एग्जाम कब है? डियर आशीष कुमार जी, अभी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन आएगा बिल्कुल आपके साथ फ्लोट करेंगे। सर 1968 में बाद में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई अल्फ्रेड नोबेल ने, 5 सेक्टर में किया गया पहले, यानी शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद लिटरेचर और फिर आपका हो गया शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और मेडिसिन। तो अर्थशास्त्र को किसने किया? स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। यानी 1968 में स्वीडन का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत के केंद्रीय बैंक को आरबीआई कहते हैं, तो वैसे ही स्वीडन के केंद्रीय बैंक को सेवरिक्स रिक्स बैंक कहते हैं, कि नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में पुरस्कार की स्थापना की गई। भारत में 2 अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसो किसको? तो 2019 में दिया गया चटर्जी साहब और 1998 में दिया गया किसके हो? चलो जरा कमेंट बॉक्स में बता दो, 1998 में किसे दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रिट केवल एक सार्वजनिक पद रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण? चलिए अभय यादव कह रहे मैं पहली बार हूं, बहुत बढ़िया। क्या होगा जवाब? कौन सा रिट एक सार्वजनिक पद रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ? सर 5 रिट हैं, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, 226 से हाईकोर्ट जारी करेगा। तो परमादेश केवल अधिकारी के जरिए, अधिकारी के विरुद्ध क्या होगा? मीनिंग वी कमांड, हम आदेश देते हैं। जब अधिकारी अपना काम नहीं करेगा तब कोर्ट जारी करेगी, सर आप काम करो, वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। यानी परमादेश केवल और केवल अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाएगा, अदरवाइज जितने सारे 4 हैं वो सब कोर्ट हो सकता है या अधिकारी हो सकता है। अमर्त सेन, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अमर्त सेन क्या था? अमर्त सेन। तो मैंडमस परमादेश किसके विरुद्ध जारी होगा? सार्वजनिक पद रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ। किसी दिन पूरा रीट में समझा दूंगा, परेशान मत होना। आज 40 क्वेश्चन की लड़ाई है, हमें 40 क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या दांडी? चलो क्या होगा? चलो नाम नाम नहीं खेलना है, जल्दी बताओ जवाब क्या होगा। जवाब दो क्या होगा, कहां आंदोलन की शुरुआत की थी? सर आप सोचिए, साबरमती से दांडी तक चला गया था, 24 दिन की यात्रा थी, 12 अप्रैल 1930 को चला गया, 12 मार्च 1930 को चला गया, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा। 24 दिन की यात्रा, शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से, कहा गया आंदोलन की शुरुआत। भैया जब हम नमक कानून तोड़ेंगे तभी तो शुरुआत होगा, तभी तो शुरुआत होगा, तो दांडी से शुरुआत की गई थी। क्या होगा? दांडी से शुरुआत की गई थी, यानी 1930 का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। 6 अप्रैल को अरब सागर में तटीय शहर दांडी, जो गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, पूछा गया है क्वेश्चन। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह का भी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं या कोई नहीं? अपने मार्क्स शेयर करना जरूर। सर 12वीं पंचवर्षीय योजना में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। आपको पता है कि 2012 से लेकर 2017 तक अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद पंचवर्षीय योजना फाइबर प्लान खत्म हो गया, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई कब? 1 जनवरी 2015 को, यानी
प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 1 मई 2016 को बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन, जो 5 केजी का जो गैस है, वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना क्यों 2016 को शुरुआत हुआ था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गलती मत करना, बिल्कुल पाप लगेगा अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलती करके आए। क्वेश्चन नंबर 17, उस सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिसने मिसेज फनी बोन्स को लिखा है। प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी। बिल्कुल सर, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और आप बताते ही हो सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहां से लाते हो, कैसे बनाते हो। तो मेरा मोटिव है सर आपका सिलेक्शन क्या होगा। ट्विंकल खन्ना ने मिसेज फनी बोन्स लिखा है। किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। तो प्रियंका चोपड़ा के भी द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तक और शिल्पा शेट्टी के द्वारा भी लिखा गया कुछ पुस्तक देखते हैं, जो आपके लिए इंपोर्टेंट होगा एग्जाम में आने के लिए। प्रियंका चोपड़ा ने 2019 में क्या लिखा है? अनफिनिश्ड, अधूरा नाम से लिखा है। यह क्या है? अपना स्वयं का संस्मरण है, ऑटोबायोग्राफी। द ग्रेट इंडियन डाइट, ये किसके द्वारा? शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के द्वारा। ये सब के सब आपके लिए इंपोर्टेंट है, याद रखना, भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 18, पिछोला झील के बीच में बना होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए पहले यह जानना होगा पिछोला झील कहां है, क्योंकि एक साथ दो क्वेश्चन देखने को मिले आपको। सर उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं, तो पिछोला झील कहां है? उदयपुर में है। यानी होटल ताज लेक पैलेस कहां है? उदयपुर में है। उदयपुर में है, यानी जोधपुर को सर कहते हैं ब्लू सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी। उदयपुर की बात करें तो मेवाड़ की पूर्व रियासत की राजधानी, जो राजस्थान का खूबसूरत शहर है। उदयपुर को हम कितने नामों से जानते हैं ये देख लो, सिटी ऑफ लैक्स, झीलों का शहर, पूर्व का वेनिस, भारत का सबसे रोमांटिक शहर, क्या कहने, और राजस्थान का कश्मीर। तो उदयपुर को इन सब नामों से जाना जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा, काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए आने वाले समय में। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर उपधातु क्या है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या लोहा। चलिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19? हाँ, 1998 अमरसेन, बहुत बढ़िया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर उपधातु है, धातु नहीं है। धातु की बात करते एल्यूमिनियम जाते, सेकेंड मेटल की बात करते आयरन जाते, अगर एलिमेंट की बात करते ऑक्सीजन जाते। क्या है? उपधातु है सर, सिलिकॉन होगा। क्या होगा? सिलिकॉन होगा। आई बात समझ में? यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु सिलिकॉन है, जो ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की भूपरपट्टी में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। तो आपको समझना होगा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो कई सारे बच्चे एल्यूमिनियम में फंस गए, यही गड़बड़ है ना। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार। चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20। सर बिहार, याद होगा जहानाबाद के बराबर जो पहाड़ियां हैं, जो अशोक ने दान में दिया था आजीवक संप्रदाय के लिए, आ रही बात समझ में? तो बिहार में यह मौजूद है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सांची, महाराष्ट्र की बात करें एलोरा और अजंता कहां है? महाराष्ट्र में है। यानी लोमस ऋषि गुफा, जिसे लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। जहानाबाद की स्थापना किसने की है? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा, जहां आरा के द्वारा जहानाबाद की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से भारतीय शहर पहले एसटीडी सेवाओं से जुड़े थे? कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई, कोलकाता, आगरा या कानपुर दिल्ली। अगर सेशन पसंद आया हो तो दो चीज मांगते हैं आपसे। देखो हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, एक लाइक और एक शेयर। अगर पसंद आया तो लाइक करना, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना, लेकिन रीजन बताना जरूर। तो सर कानपुर और लखनऊ के बीच एसटीडी चलाया गया था। अगर हम टेलीग्राम की बात करें ना, टेलीग्राफ की बात करें, तो कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी सबसे पहले, और एसटीडी की शुरुआत की गई थी कानपुर और लखनऊ। जरा कमेंट बॉक्स में बताना एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा। सर 26 नवंबर 1960 को कानपुर और लखनऊ के बीच भारत में पहली सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी सेवा शुरू की गई थी। कब की गई? 1960 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, शिवाजी का जन्म कहां हुआ था? सिवनेरी, रायगढ़, तोरण या कोई नहीं।
शिवाजी के जन्म की बात किया, कहां हुआ, किले। तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले जो कहां पड़ता है, पुणे में। सर 1627 में जन्म हुआ, कहीं कहीं 1630 मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, जब आएगा 1627 करना। रायगढ़ का किला, मृत्यु हुआ 1680 में शिवाजी का। और तोरण के किले की बात करें तो यहां शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था, राज्याभिषेक किया गया था शिवाजी का, कहां, तोरण के किले में। और बनारस के जो पंडित गंगाधर भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया था। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश ने फुटबॉल में सर्वाधिक विश्व कप खिताब जीते हैं, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, ब्राजील या फ्रांस। चलो जल्दी देखिए, फिर से मैथ गुरु जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। देखो सर, ब्राजील सबसे ज्यादा बार जीता है फुटबॉल वर्ल्ड कप, इस बार फ्रांस जीता था। आपको पता है 2018 में हुआ था, किसने जीता, फ्रांस जीता। 2022 में कहां होगा, कतर में होगा। और 2026 में कहां होगा, 2026 की बात करें तो पहली बार होगा 2026 का वर्ल्ड कप जो तीन देश ऑर्गेनाइज करेगा मिलकर, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, और सबसे ज्यादा मैच खेले जाएंगे इस बार। ब्राजील की राष्ट्रीय टीम ने पांचों के साथ सबसे अधिक यानी पांच खिताब जीते हैं, 1958, 1970, 1994 और 2002 में। सबसे हालिया विश्व कप 2018 में रूस में आयोजित किया गया, फ्रांस द्वारा जीता गया, जो क्रोएशिया को हराकर किसे, क्रोएशिया को हराकर जीता गया। ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय आय अनुमान के लिए डेटा संग्रह भारत में आयोजित किया जाता है किसके द्वारा, एनएसएसओ के द्वारा, सीएसओ के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। चलो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा बच्चों, क्विक फास्टली। सर अगर कहता कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, सीएसओ लगाता है। यहां कहा कि डेटा कलेक्शन कौन करता है, तो एनएसएसओ डेटा कलेक्शन करता है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, इसकी स्थापना 1951 में की गई। हेडक्वार्टर दोनों का कहां है, दिल्ली में। आरबीआई तो पता है, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। तो क्या होगा, क्वेश्चन समझना क्या है बच्चे, सीएसओ नहीं होगा। क्यों, क्वेश्चन कहा डेटा कलेक्शन, ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। डेटा कलेक्ट किया, दे दिया, अनुमान लगाने का काम कौन करेगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेगा, दैट्स इट। क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा झोल है। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त आधान तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर, जेम्स ब्लेंडेल, अलेक्जेंडर वीनर या विलियम हॉर्वे। चलो सर, दो चीजें हैं, विलियम हॉर्वे की बात करेंगे, गलत, कार्ल लैंडस्टीनर की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की, लैंडस्टीनर और वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की है, जिसको प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, और विलियम हॉर्वे ने क्या किया, जरा कमेंट बॉक्स में बता दो। मैक्सिमम बच्चे जाएंगे विलियम हॉर्वे के साथ, मैक्सिमम बच्चे जाएंगे, गड़बड़ कर दी हो ना, कर दिए गड़बड़। देखो सर, 1818 में जेम्स ब्लेंडेल ने बच्चे के जन्म के दौरान रक्त स्राव होने वाले रोगी को मानव रक्त को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया, और विलियम हॉर्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की है, विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की है, और 1901 में ऑस्ट्रियाई चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने पहले मानव रक्त समूहों की खोज की है, चार ग्रुप, ए बी ओ पॉजिटिव और ए बी, कह दे ए बी ओ और ए बी, चार ग्रुप है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26, किस अभिनेता को 2019 में IFFI की गोल्डन जुबली के आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत या चिरंजीवी। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन मजा आ रहा है जरा कमेंट बॉक्स में बता दो भैया। भैया बिल्कुल सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा, इनवाइट किया गया है दोनों को, बिग बी को भी और रजनीकांत को भी, यानी 2 नवंबर 2019 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि भारतीय सुपरस्टार एस रजनीकांत को IFFI के लिए गठित पुरस्कार आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली के लिए चुना गया है। सर ये इसकी स्थापना
पहले प्रधानमंत्री यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की स्थापना पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में किया है। हमेशा कहां मनाया जाता है, ये गोवा में मनाया जाएगा, जो शुरुआत 20 नवंबर को होगा, जो चलेगा 28 नवंबर तक, जो चलेगा 28 नवंबर तक। क्वेश्चन नंबर 27, गुरुदास दासगुप्ता किस पार्टी के उप महासचिव थे जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? INC, TMC, BJP, CPI। चलो जल्दी क्विक, क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब क्या होगा? CPI, INC नहीं, TMC नहीं, BJP नहीं, CPI, जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी एम एन राय के द्वारा की गई थी। यानी गुरुदास दासगुप्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक अनुभवी नेता थे जिनका निधन 31 अक्टूबर 2019 को कोलकाता में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28, किस मैदान पर बांग्लादेश और भारत के बीच पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा? एकाना क्रिकेट स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम या वानखेड़े स्टेडियम? INC नहीं, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। सर ईडन गार्डन स्टेडियम, आपको पता है ईडन गार्डन स्टेडियम की बात करें तो सर सौरव गांगुली जो BCCI के चेयरमैन बने हैं, जिन्होंने सिफारिश किया कि ईडन गार्डन स्टेडियम पर पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। जो एकाना स्टेडियम पता है, ये होम ग्राउंड हो गया किसके लिए, तो अफगानिस्तान टीम के लिए होम ग्राउंड हो गया ये। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, फिरोजशाह कोटला, वानखेड़े की बात करें मुंबई। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा? ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। कब? 22 नवंबर से, जो कोलकाता में, और पहली बार गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? UNO, वर्ल्ड बैंक, IMF या ADB? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 बताओ जल्दी क्विक। वर्ल्ड बैंक जारी करता है, यह मैंने नहीं पूछा कि भारत का जो रैंकिंग क्या है, यानी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ना IMF, ना UNO, ना ADB। तो देखते हैं कि ये जब आज हम किसी का एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मेरी बात समझना, हमें 40 क्वेश्चन देखने हैं, समय रहता है तो एक्सप्लेन करने में मजा आता है। नहीं, आज हमें 40 क्वेश्चन पूरे करने, क्योंकि इसके बाद भी कुछ लेक्चर लगी है आपकी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक सर्वेक्षण है, पहली बार 2003 में जारी किया गया, भैया GS का क्वेश्चन है ये, और 2019 में भारत का जो रैंकिंग है वो 63 है, भारत का रैंकिंग 63 है। क्वेश्चन नंबर 30, 2019 के आंकड़ों के अनुसार किस ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण या शुक्र? क्वेश्चन नंबर 30, हाँ न्यूजीलैंड टॉप पे, बहुत बढ़िया, शानदार। आंकड़े बदल गए सर, आंकड़े बदल गए, जो पहले होते थे टॉप पे वो हो गए दूसरे नंबर पे। तो पहले टॉप पे होता था बृहस्पति, अब टॉप पे हो गया सैटर्न, यानी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, किसका? बृहस्पति का। तो अमेरिकी शोधकर्ताओं के अनुसार पहले शनि के पास 60 था, 20 मिल गया, अब हो गया 80, कितना हो गया? 80 हो गया, और बृहस्पति के पास 79 है, यानी पीछे छोड़ दिया इसे, क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया। आ रही बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 31, बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन है? साकिब अल हसन, मोमिनुल हक, महमूदुल्लाह, तमीम इकबाल? मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे इसके जवाब गलत देंगे, बिल्कुल। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे इसके जवाब गलत देंगे, चल क्या फर्क पड़ता है, 80 या 82 कोई दिक्कत नहीं है, सैटर्न का ज्यादा है, बस बात खत्म हो गई। सर बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट टीम की बात करेंगे, मोमिनुल हक हैं, अगर T20 की बात करते तो महमूदुल्लाह। सकीब अल हसन को 2 साल का बैन लगाया गया है, सकीब अल हसन को 2 साल का बैन लगाया गया, कहानी खत्म, तमीम इकबाल घायल है, वो खेलने के लिए आए ही नहीं है। तो T20 का महमूदुल्लाह, टेस्ट मैच का मोमिनुल हक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, GK गोखले, बीजी तिलक? चलिए GK गोखले 1905 की बात करेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, करजन के समय
बनारस में अध्यक्षता हुई कांग्रेस की, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी की बात करें सर, ये 1886 में भी अध्यक्ष बने हैं, 1906 में भी बने हैं, और बीजी तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। लाल लाजपत राय की बात करेंगे 1920 में जब स्पेशल सेशन लगा था नागपुर में, तब अध्यक्षता किए थे लाल लाजपत राय ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत करनी थी। तो याद रहे जीके गोखले। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी विकास दर कितनी होनी चाहिए? 6%, 7%, 8%, 9%। चलो जल्दी, क्या होगा? आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार 8% घोषणा किया गया 2024-25 तक, यानी 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए 8% की निरंतर वास्तविक जीडीपी होंगी, तभी हम 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, किस तिथि को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई जाएगी? 7 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर या 19 नवंबर, क्या होगा? सर 12 नवंबर को मनाया जाएगा। 14 नवंबर की बात करें, बाल दिवस है और डायबिटीज दिवस है। चाचा नेहरू, याद रखिए, चाचा नेहरू के दिवस पर डायबिटीज हो गया, यानी ये 14 नवंबर याद रहे। 7 नवंबर की भी चर्चा करते हैं और 19 नवंबर की भी चर्चा करेंगे। गुरु नानक देव की जयंती 12 नवंबर को मनाई जाती है, जिसे गुरु नानक जयंती या गुरुपर्व के नाम से भी जाना जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विधानसभा के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या अध्यक्ष को? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, 12 नवंबर, बहुत बढ़िया। विधानसभा के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? सर विधानसभा के सदस्य विधानसभा स्पीकर को, लोकसभा के सदस्य लोकसभा स्पीकर को, अगर मंत्री की बात करते तब मंत्री सौंपता अपना इस्तीफा राज्यपाल को, लोकसभा की बात करते तब राष्ट्रपति को सौंपता, क्वेश्चन नंबर 36, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण करने वाले पहले एंजाइम का नाम बताइए, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या रेनिन? एमाइलेज, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है माउथ से और हमारे पेट अमाशय से निकलता है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, रेनिन मिल्क प्रोडक्ट का पाचन करेगा, दूध का पाचन करेगा, यानी मुंह में मौजूद लार ग्रंथियां लार वाले एमाइलेज एंजाइम का स्राव करती है जो भोजन में मौजूद स्टार्च को शर्करा में पचाता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में शुरू होता है, इसलिए एमाइलेज पहला एंजाइम है जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 37, भाई दूज त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? यम द्वितीया, भाई टीका, भ्रात द्वितीया या उपरोक्त सभी? अब याद रखना, कुछ आपके क्वेश्चंस कल्चर से ऐसे मिलेंगे जो हमें कंफ्यूज करेंगे, तो आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भाई दूज को हम भारत में यम द्वितीया भी कहते हैं, भाई टीका भी कहते हैं और भ्रात द्वितीया भी कहते हैं। तो भाई दूज त्यौहार याद रहे दीपावली के बाद मनाते हैं, दीपावली के बाद मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी, क्या होगा? कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? अरे सर सिंपल सा छाड़ दो ना, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, बाकी बात ये सब को सब क्रिकेट से संबंधित है। यानी संतोष ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ना होकर फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी और इस टूर्नामेंट में 31 टीमें पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? एक तरफ प्लेयर है और दूसरे तरफ खेल है, तो आपको बताना है, मोहम्मद अनस याहिया बॉक्सिंग, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स, दीपा मल्लिक एथलेटिक्स या अंजलि भागवत शूटिंग, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39, पंकज अडवाणी बिलियर्ड सही, दीपा मलिक एथलेटिक्स सही और अंजलि भागवत शूटिंग सही। मोहम्मद अनस याहिया बॉक्सिंग ना होके क्या होगा पता है? एक रेसलर हैं, धावक हैं, यानी केरल के मोहम्मद अनस याहिया एक भारतीय धावक हैं जो 400 मीटर की दूरी तय करने में माहिर हैं और उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी कितना में है? 400 मीटर में है।
क्वेश्चन नंबर 40। अगर दिल्ली में मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक इसे किस समय देखेंगे? 4 बजे सुबह, 4:30 बजे सुबह, 4:45 पे या 5:30 बजे सुबह? चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्या होगा जवाब इसका? अगर दिल्ली में मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा तो अगर हम लंदन में हैं तो कहां कितने बजे देखेंगे? भैया सीधा से समझ लो, जीएमटी से हम 5.5 घंटे आगे हैं। अब माइनस कर देंगे 10 बजे में तो कहां जाएंगे? 4:30 बजे जाएंगे। क्या होगा जवाब निकलकर? 4:30। आसान सा सवाल है। हम इसका फॉर्मूला, अगर ना समझ में आए इस क्वेश्चन को तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगले क्लास में इसे क्लियर करके अच्छे तरीके समझा दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए तो बच्चों ये था आज के लेक्चर। और याद रहे, कई दिन से आप कह रहे थे सर मोदी सरकार की योजना है, जो प्लान है 2014 में सरकार बनी है और 2014 के बाद फिर से 2019 और 24 तक रहेंगी, तो जितनी भी योजनाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट योजनाएं, हम उसे देखेंगे, चाहे एक लेक्चर हो या दो लेक्चर, एमसीक्यू भी, ताकि जो कॉन्सेप्ट है, जो करंट अफेयर्स है, सब कुछ कवर हो जाए सरकार की योजनाएं में। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी चीज, आप अपने मार्क्स जरूर शेयर करें कि कितने मार्क्स आए, कितने नेगेटिव अटेम्प्ट लिया, कितने स्केप किया, और अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के, दबा के शेयर करना, ताकि अच्छे बच्चे, मतलब जो अच्छे बच्चे हो, जो तैयारी करो, वहां तक रीच पहुंच सके। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, लिख रहे थे ना सर आज मेरी पहली लेक्चर है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल बटन प्रेस करें। चलिए मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।